सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है एक फूड व्लॉग होने वाला, क्योंकि मेरा पिछला व्लॉग जो था एक ट्रैवल व्लॉग ही था। मीन्स जो मैंने कहा था विष्णुपुर का पार्ट थे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। आप या ऊपर में कहीं बाई बटन मारा होगा तो जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने मॉन्यूमेंट्स दिखाया था। सब आते हैं फूड व्लॉग पर। तो आज की फूड व्लॉग होने वाला है, मैं एक्चुअली ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक स्ट्रीट फूड में कबाब दिख रहा था। मीन्स अच्छा दिख रहा था, बहुत सही दिख रहा था सेटअप वगैरह। तो मैं जाकर बात किया तो मैं एक्चुअली सुनकर शॉक हो गया। इतना चीप प्राइस था, इतना सही था, दिखने सही था, अब खाने में कैसा वो पता नहीं। तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा, तो अपन डाइट स्टॉल पर चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। एंड और क्या, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। एंड आई होप आपको मेरा व्लॉग्स अच्छा लग रहा होगा। एंड आगे अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड हाँ और क्या, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप न्यू हो, नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एंड बहुत मजा आता है इस चैनल में, पहले ही बता दूं। तो चलो अब चलते हैं लोकेशन पे। अपना डिश आ चुका है, हमने दो डिश अभी ऑर्डर किया है फिलहाल, उसके बाद देखते हैं और क्या ऑर्डर करते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने ऑर्डर किया है। ये जो आपको दिख रहा है ये हरियाली कबाब, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है हरियाली कबाब है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। जबकि जो लोही तो ट्राई कर चुका है पहले भी, तो उसको इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल सकता है, तो मैं भी खाऊँ वो भी खाएगा बताएंगे। और ये नॉर्मल से चिकन कबाब है रेड कलर में, तो दोनों तो पूरा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं लेता हूँ नॉर्मल सा कबाब चिकन का, उठाया हूँ इसको ट्राई करते हैं। प्लेन चिकन बहुत सॉफ्ट है, प्लस इसके ऊपर जो मसालास दिया हुआ है, उसके बाद लेमन का एक जस्ट दिया हुआ है, बहुत सही है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ मस्टर्ड के साथ में, मस्टर्ड सॉस जिसको हम लोग कासुंदी बोलते हैं मैक्सिमम लोग, तो ये मस्टर्ड सॉस है। इसे ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा शिमला मिर्च भी लगा लेते हैं। कबाब बढ़िया है, मतलब ऑसम है। अब मैं ट्राई करूँगा ये जो हरियाली हरियाली कोटा दें नॉर्मल, पहले प्लेन ट्राई करूँगा विदाउट एनी केचप या एनी किसी चीज़ का। दोनों में से मेरे को बेस्ट हरियाली लगा। एक्चुअली क्यों, हरियाली में अलग सा टेंडर, अलग सा फ्लेवर है। फिर मैं खाता एक और बाइट लेते हैं, बहुत सही लग रहा खाने में। अब सॉस से ट्राई करते हैं, ये विदाउट सॉस बहुत सही लग रहा है। एंड दूसरा जो नॉर्मल कबाब है वो कबाब जैसा है, एकदम परफेक्ट है। इसका प्राइस बता दूँ दोनों का 50 रुपीज़ है, हरियाली 50 एंड अपना नॉर्मल कबाब 50। तो 50 में इतना पीसेस एनफ है, सही लगा मेरे को। अगर आप ये रेस्टोरेंट में जाने खाने के लिए जाओगे यही चीज़, आपको कम से कम 150-200 तो ऐसे ही ले लेंगे, और वहाँ मैक्सिमम 2-3 पीसेस होता। आप एक बार यहाँ पर फोकस करो, देखो यहाँ पर कितना पीसेस है, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 6 पीसेस था, 6 पीसेस ऑनली फॉर 50, बहुत सही है। ये खाते हैं इसको, तो कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या खा सकते हैं। तो अभी लोही ट्राई करेगा वो पता है, क्योंकि उसको हरियाली का थोड़ा नॉलेज है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अपना फाइनल दो डिशेस आ चुका है, अब देखो नीचे में है। तो एक ही अपना चिकन पकौड़ा, यहाँ पे स्पेशल सिंगर चिकन पकौड़े साथ में फ्रेंच फ्राइज भी है, तो ये कुछ अलग ही लगा। और इसका प्राइस ओनली 50 रुपीज़ है, ये भी यहाँ जो कहेंगे 50 है। ये अपना यहाँ पे चिकन ग्रिल्ड लेग पीस है, चिकन ग्रिल्ड है, ग्रिल्ड चिकन है। इसको तो मैंने आपको दिखाया था स्लोमो में कैसे ग्रिल्ड हुआ है, तो अब इसको मैं ट्राई कर, सबसे पहले चिकन पकौड़ा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा यूनिक सा लगा है। एक्चुअली क्या है इसमें अपना फ्रेंच फ्राइज जिसको हम आलू भाजा बोलते हैं बंगाली में, एंड आलू फ्राई बोलते हैं हिंदी में, तो वो है।
वो ट्राई करता हूँ पहले फ्राइज। 50 रुपीज़ का प्राइस रेंज में चिकन पकौड़ा प्लस फ्रेंच फ्राइज बहुत ही सही चीज़ है। मैं तो बोलूँगा आपका 50 रुपये पेट भर जाएगा ऐसा है। तो पकौड़ा उठा दें, पकौड़ा दिखाता हूँ, देखें पूरा क्रिस्पीज है, सही है। अब इसको ट्राई करता हूँ, फर्स्ट थिंग है बोनलेस, क्योंकि बहुत सारा पकौड़ा ऐसा होता है इसमें बोन वोन डाल देते हैं, बहुत जगह मैंने खाया बट यहाँ पे बोनलेस है। प्लस जैसे मैंने कहा क्रिस्पी ब्रॉस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। हाँ एक चीज़ और कम लगा, नमक, आई थिंक मैं नमक थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ या फिर मेरा थोड़ा नमक का थोड़ा ज़्यादा है, तो इस कारण से मुझे नमक कम लग रहा होगा, और जो कम नमक खाते हैं वो लोगों को सही लग रहा होगा। तो ये कंप्लीट करता हूँ। अब गाइस अब आते हैं दूसरे डिश पर, वो है ग्रिल्ड चिकन लेग पीस। तेरा इसको लेता हूँ, खाता हूँ सॉस में डिप। ऑनेस्टली टेलिंग जो चिकन है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसके जो टेंडर किया हुआ है बहुत सही लग रहा है। तो सॉर स्पाइसी स्वीट हर एक टेस्ट मिल रहा है आपको चिकन में, दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसे में टूट जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है चिकन। तो ये है ये जो मैंने फाइनल डिश ट्राई, क्योंकि और मैं इसलिए ट्राई नहीं कर क्योंकि और पेट में जगह नहीं है बहुत कुछ। आप यहाँ सिर्फ ये चीज़ देखो कि यहाँ फ्रेंच फ्राइज है प्लस पकौड़ा भी है, आई थिंक पकौड़ा 6 to 7 पीसेस पकौड़ा इसके अंदर में। तो वही मैं सोच रहा हूँ कैसे कंप्लीट करूँ, देखते हैं। इसलिए अभी इतना करता हूँ, और बाकी जो डिश है उसमें अगर आप चाहें तो पार्ट टू लाऊंगा आपके लिए, तो उसमें आपका हर बाकी डिशेस दिखा दूंगा। तो बस अब मैं कंटिन्यू करता था ना, मिलता हूँ निश्चित। और सो उससे पहले भैया से बात करेंगे, यहाँ के थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जगह का एड्रेस वड्रेस सब कुछ जैसे मैंने लेता हूँ वैसे ही लेते हैं। तो मैं कंटिन्यू कर अपना खाना तो ख़त्म हो गया है, मैं अपना जॉनिस्ट हुआ तो बाद में तो आपको पता है। तो यहाँ के ओनर इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम है सेखानीउद्दीन अहमद। ओके ठीक है, वैसे निक नेम है राजा, राजा नाम से सब पहचानते हैं, राजा नाम से सब पहचानते हैं। और इस शॉप का नाम बताइए। शॉप का नाम है आरुष स्मोकी चिकन हट। आरुष स्मोकी चिकन हट, ओके। यहाँ एड्रेस? ये एड्रेस है खड़गपुर में जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के ऑपोजिट साइड में जहाँ पर चाट भंडार लगा हुआ रहता है। ओके ओके, आपका स्पेशलिटी क्या है, मतलब क्या है सब बनाते हैं? मेरा स्पेशलिटी सर यूनिक आइटम है, मेरे पास सब जितना भी आइटम बनता है सब यूनिक आइटम बनता है। यहीं पे कहीं पे आपको फीस नहीं मिलेगा, हाँ। मेरे पास मिलेगा आपको फीस। ओके ठीक है, हरियाली कबाब कहीं पे नहीं मिलेगा, मेरे पास मिलेगा आपको एकदम। ये है मेरा यूनिक आइटम। ओके ओके, हाँ मैंने जैसे खाया कि बहुत अच्छा लगा, एंड प्राइस भी बहुत जेन्युइन है, ओनली 50 रुपीज़ है। सब 50 है कि 50 है जो ग्रिल बनता है, ग्रिल 30 का 40 का 50 का साइज का हिसाब से बनता है। ओके और जो हमारा जो जुगाड़ है सब देसी जुगाड़, आप देख सकते हो, कोई भी जुगाड़ आप देख सकते हो सब देसी जुगाड़ है। हाँ वो तो मैंने देखा, ठीक है। और भैया आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे थोड़ा सा थीम के बारे में अपना? एक्चुअली मेरा शौक है ये जो काम जो है ये मेरा शौक है। Okay. मैं ऐसे ही नॉर्मली जॉब करता हूँ फ्लिपकार्ट में, हाँ। लेकिन ये मेरा शौक है, शौक का वजह से ये थीम आया था। एक्चुअली मैं दीघा जाके भी बहुत बार देख चुका हूँ, तो हाँ। मैं सोचा हूँ ये खड़गपुर में कहीं नहीं है, हाँ। फुटपाथ में तो कहीं नहीं है, फुटपाथ में नहीं है कहीं, इसीलिए मेरा थीम आया जो मैं बनाऊंगा। पहले बहुत सुना था जो नहीं चलेगा, हाँ। लेकिन फिलहाल ऊपर वाला का दुआ से चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब अच्छा है। आप लोग भी अगर खाएंगे आप लोग को भी पता चलेगा कैसा, हाँ। टेस्ट है। तो गाइस मैं यही बोलूंगा आपको, आप एक बार आके खाइए आपको पता चलेगा कैसा है टेस्ट, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हूँ पूरा एक्चुअली प्राइस को लेके एंड खाने को लेके। एंड बेस्ट मेरे को लगा, मैं कहीं भी ये नहीं देखा चिकन पकौड़े के साथ में फ्रेंच फ्राइज, वो तो वही है एक्चुअली, सब चिकन पकौड़ा बेचता है, हाँ। पीस के हिसाब से, एक हिसाब से, हाँ। फ्रेंच फ्राइज कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं एकदम, वही मैंने फ्रेंच फ्राइज देखा, और फ्रेंच फ्राइज ऐसा नहीं लगा कि कोई नॉर्मल, जैसे मैंने मैक्सिमम खाया तो उन्होंने पैकेट यूज़ करते क्या, बालाजी फ्रेंच फ्राइज सब यूज़ करते हैं? नहीं, मेरा नॉर्मल खुद बनाता हूँ यहीं पर, आप अगर देख पाएंगे आलू वगैरह मैं इधर ही काटता हूँ, इधर ही बनाता हूँ, सब जो करना है सब यहीं पे प्रेजेंट करते हैं, सब कुछ मिला के। ओके सो गाइस ये था यहाँ का इन्फॉर्मेशन थोड़ा भैया का भी। और भैया आपको इंस्टा में पेज वगैरह है या फिर फेसबुक में? मेरे फेसबुक में है। ओके तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ का एड्रेस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आके विजिट करिएगा, एंड बहुत सही जगह है। और बाकी जो ऑनेस्ट रिव्यू आपको बाद में देता हूँ। सो गाइस टाइम फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू, सो जो है जल्दी बता दो क्योंकि आई थिंक वीडियो लंबा हो गया होगा। सो बता देता हूँ मुझे कैसा लगा, हमने 4 डिश ट्राई किया था, एक था चिकन कबाब, एक हरियाली कबाब, एक चिकन ग्रिल्ड लेग पीस एंड चिकन पकोड़ा। सो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा मेरे को हट के, मतलब एक होता है ना एक शॉकिंग टाइप का, मतलब एक अलग सा लगता है झटका टाइप में, वो मेरे को लगा था चिकन पकोड़ा देख के। एक्चुअली क्यों, मतलब मैंने सिर्फ चिकन पकोड़ा बोला एंड उसके साथ जो फ्रेंच फ्राइज था वो सबसे यूनिक चीज लगा। क्यों बोलने से कि ना देखिए, आप कहीं पर चिकन पकौड़ा खाए होंगे, सिर्फ आपको चिकन पकौड़ा मिलता है एंड 50 रुपीज़ में आई थिंक आपको 5 to 4 पीसेस चिकन पकौड़ा मिलता है, वो भी इतना था, यहाँ पे साइज भी बड़ा था, प्लस 50 रुपीज़ में 7 पीसेस चिकन पकौड़ा था और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज।
क्या ही बोलना इसका, मतलब अलग ही लेवल में ये चल रहा था। और उसके बाद टेस्ट पे आते हैं। हाँ, अब टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट मेरे को कैसा लगा था, तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा, जो मेरे को सबसे अच्छा लगा टेस्ट में, वो था हरियाली कबाब। क्यों बोलने से, वो अलग ही टाइप का पंच दे रहा था। वो फर्स्ट में रखूंगा उसको, सेकंड में मैं रखूंगा चिकन कबाब, सेकंड में चिकन कबाब एंड चिकन पकौड़ा विथ फ्रेंच फ्राइज इसको रखूंगा, एंड थर्ड में रखूंगा ग्रिल्ड चिकन जो था, ग्रिल्ड चिकन लेग पीस जो था उसको मैं थर्ड में रखूंगा, क्योंकि मैं मुझे उतना वो कुछ खास नहीं लगा, ठीक ठाक है चलेगा पर उतना खास है। बट ये बाकी जो तीन डिश था, हरियाली कबाब, चिकन कबाब एंड चिकन पकौड़ा, ये तीनों में कुछ ना कुछ अलग सा पंच था। तो ये तीन चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं तो आपको बोलूंगा बहुत कुछ मिलेगा खाने को। एंड आई थिंक बहुत सारे डिशेस था, फिश था, पनीर था, एंड बहुत सारे अलग अलग डिशेस था, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सही था खाने पे। एंड और क्या, बस यही अपना ऑनेस्ट था। तो मैं रेटिंग अगर दूं स्ट्रीट फूड के हिसाब से एंड प्राइस के हिसाब से, ओनली 50, जो कुछ कहेंगे सब 50 में था, क्वांटिटी क्वालिटी सब के हिसाब से मैं दूंगा 4.9 out of 5। इतना मेरे को अच्छा लगा। एंड और क्या बोलना है, इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने वीडियो स्किप नहीं किया और अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक फैलाइए, तो उनको भी पता चलिए खड़गपुर में भी ऐसा कोई स्ट्रीट फूड्स है कि सबको टक्कर दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।